अगर रोड खराब मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपके गाजीपुर जिले में आ गए हम। हम लोग देखिए अखिलेश यादव वाले हैं, अखिलेश यादव वाले रहेंगे। नहीं मतलब कुछ अच्छा लगे या ना लगे, मैंने अखिलेश यादव को वोट देना। हम नहीं कि देवे ही करते, हम लोग अखिलेश यादव ही वाले हैं। मतलब अखिलेश यादव का अंधभक्त है। लग रहा है भाई यही कि जखनिया विधानसभा और गाजीपुर जिले का किस्मत ही फूटा हुआ है। माना जाता है गाजीपुर जिले में अंसारी फैमिली खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं। नहीं तो बोलना यही तो यही है, यही कमी है, सबसे बड़ी कमी है, खुल के सामने नहीं आते लोग। ना कि हमें सपा से है ना भाजपा से, हम आम आदमी है साहब, हमें काम चाहिए। इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि सारे दंगाई सत्ता में बैठे हैं। लखीमपुर में आप अजय सिंह टेनी की लड़के को भूल गए क्या? वो कानून व्यवस्था है। लखीमपुर आपने देखा कि हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, उसके घर वालों को बताया नहीं जाता, ये कानून व्यवस्था है। उन्नाव में एक रेप पीड़िता के जब उसने आरोप लगाए विधायक के ऊपर, रेप पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, ये कानून व्यवस्था है क्या? बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है, झूठ बोलने में माहिर है। सपा वाले, अब सपा वाले तो उन्हीं के लोग ना है। क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की? भाई क्या नाम है? सैयद मुनीर अहमद जाफरी। साफी साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल प्रियंका जी आ रही है, क्योंकि हाथरस से लेके उन्नाव से लेके उम्भा से लेकर आपके जो है लखीमपुर खीरी से लेकर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो कांग्रेस ने लड़ी है, प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। ये बीजेपी के लोग कहे जब 65 रुपये डीजल बिका करता था तो बोलते थे कि बढ़ गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, ये नारा देते थे। और आज तेल का दाम 100 के पार है, कहाँ गई मोदी सरकार? लखनऊ में कितने छात्र पीट दिए गए नौकरी के चक्कर में, इलाहाबाद में इतनी लाठी चल गई, वो सब अपवाद है। हर जगह है जूतों की बौछार, अब भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अब की बार 300 के पार। हर चौराहे पे बेटियां हैं लाचार, कहां चले गए वो चौकीदार जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार। हमें खराब थी और इस समय भी खराब है, ये कोई सरकार काम करने वाली नहीं है। भाजपा ने भी कहा था गड्ढा मुक्त करेंगे, पर उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं किया। अभी यूपी में नहीं, यूपी पूरा देश मेरा है, यूपी भी अलग नहीं है मुझसे, सबसे ज्यादा पीएम मैंने यूपी से दिया है। यही जब कांग्रेस के सरकार में प्याज महंगा हुआ तो बीजेपी वाले प्याज का माला पहन के घूमते थे, अब सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर का माला पहन के नहीं घूम रहे हैं। पूरे यूपी में इस वक्त चुनाव चल रहा है, सभी जिलों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशियों ने मैदान में उतर कर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी चाहते हैं कि भाई किसी भी हाल में जीत होनी चाहिए। बीजेपी अपना दम लगा रही है, समाजवादी पार्टी अपना दम लगा रही है, तो वहीं बीएसपी अपनी तिकड़मबाजी चला रही है मैदान पे। तो वहीं कांग्रेस के साथ प्रियंका गांधी खुद इस वक्त जो है मैदान में है और कैंपेनिंग करके अपनी जो है मजबूती से दावेदारी ठोक रही है। लेकिन उनकी ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होगी ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र का चुनाव है और जनता ही डिसाइड करेगी कि इस बार विधायक कौन होगा और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इस वक्त हम गाजीपुर के जखनिया विधानसभा इलाके में कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हवा किधर की चल रही है और सियासी ऊंट किस भल बैठेगा। भाई क्या नाम है आपका? शाहिद नाम हमारा है। शाहिद भाई क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है इस बार? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है, मतलब लग रहा है बहुत झंडा बरदार हैं आप समाजवादी पार्टी के। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समझ रहे हैं। 5 साल की सरकार देखी भाजपा की, जिस तरीके का लूट, अपराध, भ्रष्टाचार, भयमुक्त माहौल बनाया गया भाजपा के द्वारा, इन सबसे जनता त्रस्त है। स्पेशली तौर पे इनका जो साढ़ है, समझ रहे, इन सब चीज़ों से जनता त्रस्त है। उसका जवाब देने के लिए वो जो बाबा साहब ने संविधान के तौर पर एक हमको वोट रूपी ताकत दिया था, उस ताकत को लेकर के जनता तैयार है। भाई क्या नाम है? सैयद मुनीर अहमद जाफरी। साहब क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? बिल्कुल प्रियंका जी आ रही हैं। अच्छा कांग्रेस ही गवर्नमेंट बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाथरस से लेके उन्नाव से लेके उम्भा से लेकर आपके जो है लखीमपुर खीरी से लेकर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो कांग्रेस ने लड़ी है, प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। और आज महिलाओं को जो सम्मान उन्होंने दिया है, 40% जो है, ये पहली दफ़ा जो है ये लोकतंत्र में पहली बार महिलाओं को 40% टिकट देने का कार्य किया है, तो प्रियंका जी ने किया है। ये बीजेपी के लोग
कहे जब 65 रुपये 60 रुपये 65 रुपये डीजल बिका करता था तो बोलते थे कि बढ़ गई महंगाई की मार अब की बार भाजपा की सरकार, ये नारा देते थे। और आज तेल का दाम 100 के पार है, कहाँ गए मोदी सरकार, कहाँ गए गरीबों के रहनुमा? मैं पूछना चाहता हूँ क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है इस बार? 300+ भाजपा, 300+ भाजपा जी। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग हवा में रहेंगे, बाकी हवा में रहेंगे। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको लग रहा है कि इस बार गवर्नमेंट वापस आएगी? हर क्षेत्र में काम हुआ है, जैसे जैसे रोड ले लीजिए, कल कारखाना ले लीजिए। पिछली सरकार में 2 लाख नौकरियां क्लियर हुआ था, इस सरकार में 4.5 लाख नौकरियां क्लियर हुआ है। नहीं, नौकरी की बात, हाँ गवर्नमेंट तो दावा कर रही, लेकिन इतने तो लखनऊ में कितने छात्र पीट दिए गए नौकरी के चक्कर में, इलाहाबाद में इतनी लाठी चल गई, वो सब अपवाद है। नहीं, अपवाद है या अफवाह है? अपवाद और अफवाह दोनों है। अफवाह कैसे कैसे? सरकार में, पिछली सरकार में बिजली लाइन रहती थी, इस टाइम 24 घंटा लाइन रह रही है। सागर मोदनवाल, पहले सपा सरकार में 6 घंटा लाइन रहती थी, इस टाइम 24 घंटा लाइन रह रही है। सिटी में 18 घंटा देहात में रह रही है, पहले 6 घंटा रहती थी। सपा सरकार में क्या गाड़ी ऐसे ऐसे गिरती थी, सपा सरकार में गाड़ी गिर जाती थी, एक्सीडेंट होते थे। तो ये बता रहे, मतलब सड़क बहुत इनके हिसाब से सड़क बहुत बड़ी है। एक मिनट, अभी मेरे काबिल दोस्त भाजपा का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार 300 के पार, भाजपा 300 के पार ये बोल रहे हैं। हर जगह है जूतों की बौछार, अब भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अब की बार 300 के पार। हर चौराहे पे बेटियां हैं लाचार, कहां चले गए वो चौकीदार जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार। तो मसला एक है, एक मिनट। अभी आपने इनसे पूछा रोजगार के मामले पे, इन्होंने बोला कि रोजगार दिया 2 लाख लोगों ने। मैं इनको एक डिबेट, और उससे पहले भी मैंने इनको गिनाया था आंकड़ा, मैं सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा जो डेटा आप एबीपी न्यूज को आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा चैनल है। मैं एनडीटीवी की भी आ जाऊंगा, मैं सब पे बता रहा है। एनडीटीवी पे बताया 4.5 लाख सरकारी नौकरी भाजपा सरकार ने दिया। इनका नौकरी का आंकड़ा शांति रही बात सुरक्षा के मामलों में भाजपा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। लखीमपुर में आप अजय सिंह टेनी की लड़के को भूल गए क्या? वो कानून व्यवस्था है। लखीमपुर आपने देखा कि हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, उसके घर वालों को बताया नहीं जाता, ये कानून व्यवस्था है। उन्नाव में एक रेप पीड़िता के, जब उसने आरोप लगाए विधायक के ऊपर, रेप पीड़िता का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, ये कानून व्यवस्था है क्या? एक पार्टी का प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आता है, उसके ऊपर 6-6 गोलियां टोल पर दागी जा रही, जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ये क्या कानून व्यवस्था है? सीधे एक जात और एक संप्रदाय को टारगेट करके योगी जी अपनी कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की जो नीतियों का सीना फुला रहे हैं, वो एकदम पूरी तरीके से फिसड्डी है। आपने 5 किलो राशन दे रहे हैं और साढ़ छोड़ करके 5 क्विंटल राशन का आप सफाया कर रहे हैं। क्या लगता है 5 किलो राशन जो है इस बार इलेक्शन पे क्या असर डालेगा? कर रहा हूँ भैया, मेरे काबिल दोस्तों ने जो ब्लेम लगाया उसकी मैं सफाई पहले आपको पेश करना चाहूंगा। हमारे काबिल दोस्त बोल रहे हैं कि रोड नहीं थी पहले। आप हमको ये बता दें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोड एक भी था कि रोड गड्ढे में थी, ये तो पता इनको ही होगा। राशन पे सवाल, सरकार के दिए राशन पे सवाल उठा रहे हैं, और तो राशन इफेक्ट करेगा कि नहीं? कि जातिवाद की बात करती है सरकार ने, एक बात बताइए, सरकार अगर जातिवाद की बात करती तो क्या हिंदू को राशन नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा है? क्या बनियों को नहीं मिल रहा है? क्या यादव को नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है। इस वक्त जो है पहले डिलीवरी अस्पताल में नहीं हो पाता था, रास्ते में जाते ही हो जाता था। उसमें राम मोदी, घर घर मोदी, इस बार 300 पार।
सिर्फ झूठ बोल रही है। झूठ बोलने में माहिर ये सपा वाले, सपा वाले तो उन्हीं के लोग ना है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल है कि भाजपा के गाड़ी पे सपा का गीत बज रहा है, सपा को जिताने की अपील की जा रही है। तो ये क्या है विकास? मतलब ये सपा जो है बीजेपी की बी टीम मान भाई। अब जो वो वीडियो देखने के बाद तो ऐसा नजर आ रहा यूपी में नहीं, यूपी पूरा देश मेरा है, यूपी भी अलग नहीं है मुझसे। सबसे ज्यादा पीएम मैंने यूपी से दिया है, सबसे ज्यादा सीएम मैंने यूपी से दिया है, सबसे ज्यादा विकास मैंने यूपी में किया है। आज जो है काम नहरों की जाल किसने बिछाया? आज शादियाबाद में आज आप भी पानी पी रहे हो, बसपा के लोग भी पानी पी रहे हैं, सपा के लोग भी पानी पी रहे हैं, भाजपा के लोग भी पानी पी रहे हैं। ये जल निगम की टंकी किसने बनवाया? अखिलेश यादव अच्छा है, आज उसका काम भी अच्छा लगता है। कौन सा काम अच्छा लगता है? हर काम उसका अच्छा है। कैसे? लैपटॉप बांटा वो भी अच्छा है, उसका क्या कहना, वो तो बहुत अच्छा है। उसका क्या कहना, ये तो ठीक है, शेर व शायरी अलग जगह है। अरे कुछ काम होगा जो अखिलेश यादव ने किया, आपको लगता है कि भाई ये इसलिए इस गवर्नमेंट को बनना चाहिए? ऐसे कुछ काम होंगे ना जो आपको लगे, जो मुतासर कर रहे होंगे आप? अरे इस सरकार में, बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई है कि क्या कोई उसको वोट देगा? बताइए आप क्यों देगा वोट बीजेपी सरकार को? क्या लगता है अगर बीजेपी रिपीट हो गई तो क्या हो जाएगा? यही जब कांग्रेस के सरकार में प्याज महंगा हुआ तो बीजेपी वाले प्याज का माला पहन के घूमते थे, अब सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर का माला पहन के नहीं घूम रहे हैं। बताइए बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले बहुत बढ़िया बनते अपने आप। आप क्या चाह रहे हैं, लोग जो सिलेंडर मतलब ये मतलब पता है वजन भी माला पहने का है, प्याज का माला पहन के घूम रहे हैं। वजन कितना होता सिलेंडर पता है ना? अरे एक के दूसरे पहन के घूमे का जरूरत है पूरा छत्तीस को लटकाने का? प्याज लटका सकते, सिलेंडर नहीं लटका सकते आप? तो मतलब मान लीजिए कि महंगाई जो है, बढ़ी हुई महंगाई इस बार इलेक्शन को इफेक्ट करेगी, इस बार बीजेपी को ले बीतेगी महंगाई? भाई क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है आपको अखिलेश यादव? अभी आज यही देख लिए, जो ये पुलिस लोग घूम रहे थे जीप से, आज ये बोलेरो जाइलो से घूम रहे हैं, ये देख लिया। नहीं तो भाई ये तो योगी सरकार नहीं बोला कि भाई हमने सरकार को नहीं, पहले 112 था, नहीं पहले 100 था, अब 112 कर दिए। तो अखिलेश यादव ही कहता देना, ये जो घूम रहे हैं बोलेरो से जाइलो से, तो ये लोग कहाँ देते हैं ये लोग, ये बोलेरो खटारा में बैठ बैठ के घूम रहे थे लोग। नहीं उनके घूमने से आपको क्या फायदा हुआ भाई? हम लोग देखिए अखिलेश यादव वाले हैं, अखिलेश यादव वाले रहेंगे। नहीं मतलब कुछ अच्छा लगे या ना लगे, मैंने अखिलेश यादव को वोट दे, नहीं कि देव ही करते हम लोग, अखिलेश यादव ही वाले हैं। मतलब अखिलेश यादव का अंधभक्त है? भक्त है जी। क्या है? अखिलेश यादव के अंधभक्त। अखिलेश यादव के अंधभक्त है। मतलब पुलिस को अगर बोलेरो मिल गई है, अच्छी गाड़ियां मिल गई, तो हम जानते हैं एकदम इतना खुश हैं आप? आपको ऐसा नहीं लगता कि तीन लोगों को बैठा के ले जाकर पुलिस और तेज पकड़ दौड़ा के पकड़ लेगी? नहीं हम लोग देखिए ये नहीं देख रहे हैं, रोड देखिए खराब, भीतरी रोड पर कोई मर भी गया बाई चानक, भीतरी रोड पर पता एकदम टूट गया, ये काम खत्म हो गया। वो रोड देखिए, पहले रोड भी नहीं बनी है, रोड बनवाना चाहिए ना लोग को, ये बनवा दी पता नहीं कैसे पास हो गया, ये बन करना, ये भी नहीं बनता। लग रहा है भाई यही कि जखनिया विधानसभा और गाजीपुर जिले का किस्मत ही फूटा हुआ है। एक इससे पहले जो विधायक अभी प्रेजेंट में थे त्रिवेणी राम, अभी तक इन युवाओं ने किसी ने नहीं देखा कि त्रिवेणी राम है कौन, जो देखा होगा तो बता देगा त्रिवेणी राम में है। अरे क्या सवाल, जो यहाँ से हमारे सांसद हुए हैं अफजल अंसारी, वो तो उनकी किस्मत ही फूटी है, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था मनोज सिन्हा जी को। जो भी आए सत्ता में हमें काम चाहिए, ये ना कि ये पार्टी हो वो पार्टी हो। रह गया सवाल कि हमें काम प्यारा है, न कि इनकी पार्टी न कि उनकी पार्टी, हमें सत्ता प्यार काम प्यारा है। रह गया सवाल जखनिया विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ 5 सालों में, त्रिवेणी राम जो यहाँ के विधायक थे। अभी 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 आपने अफजल अंसारी का नाम लिया, ऐसा माना जाता है गाजीपुर ज़िले में अंसारी फैमिली के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं? नहीं तो बोलना, यही तो यही है, यही कमी है, सबसे बड़ी कमी है, खुल के सामने नहीं आते लोग, आना चाहिए इनको चाहिए। क्या बताइए, अफजल अंसारी जो कि सांसद है गाजीपुर ज़िले के, यहाँ पे मनोज सिन्हा दावा किए थे कि अगर हम सांसद होंगे तो यहाँ पे MS कॉलेज लाएंगे और इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे, एयरपोर्ट अंधवू वाला फिर से चालू होगा। और देखिए ये सांसद हो गए अफजल अंसारी, कुछ नहीं हुआ, सब वहीं पे ठप हो गया, ये भी एक केंद्र में भी नहीं है ना राज्य में, कुछ नहीं कर सकते, ना इनको काम कोई देगा ना कर सकते हैं। हमें काम चाहिए साहब, ना ताकि ये कुछ नहीं हो सकता, बस इतना जान जाइए कि किस्मत गाजीपुर ज़िले और जखनिया विधानसभा की किस्मत फूटी हुई है,
ना कि हमें सपा से है ना भाजपा से, हम आम आदमी है साहब, हमें काम चाहिए। अरे अगर जो बात ये बोले कि अफजाल अंसारी के बाद, तो हम ये बोल रहे हैं कि अफजाल अंसारी हैं उनके एंटी हैं, हम पहले बता दे रहे हैं। और जब वो पैसा नहीं पास करेंगे तो गाजीपुर जिले में काम कैसे होगा, पहले हमें बता दीजिए आप। हाँ, अगर वो पैसा नहीं पास करेंगे, पहले अगर प्रस्ताव रखिए राज्यसभा में, सांसद सदन में प्रस्ताव रखिए, उसके बाद पास नहीं होगा तो आप ब्लेम करिए कि नहीं पास क्यों नहीं कर रहे हैं आप। अगर पैसा नहीं पास करेंगे वो, अगर वो पैसा पास नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। अगर आप कहीं से भी आ गए, कहीं से अगर आ गए, अगर गाजीपुर जिले में आ गए, तो आपको अगर रोड खराब मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपके गाजीपुर जिले में आ गए हम। बस इतना समझ लीजिए कि अगर रोड खराब कहीं भी मिल जाएगा तो आप गाजीपुर जिले में आ गए, समझ लीजिए। सड़कों को लेके थोड़ी सी दिक्कत है, सभा में खराब थी और इस समय भी खराब है। ये कोई सरकार काम करने वाली नहीं है। भाजपा ने भी कहा था गड्ढा मुक्त करेंगे, पर उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं किया। अभी भी एक्सीडेंट दर पे दर रोज। बताइए अफजाल अंसारी अगर जो है मांग रखेंगे लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके सदन में मांग रखेंगे तो मांग पूरी की जाएगी। प्रस्ताव नहीं हो रहा है पूरा, तो उनको ब्लेम करें कि सरकार हमारी वो प्रस्ताव नहीं पूरी कर रही है। उनको न्यूज चैनलों पे कहना चाहिए कि हमारा क्यों नहीं पूरा कर रही है, हम काम करना चाह रहे हैं इस जिले में, हमारे जिले में काम नहीं है। करना चाहिए ना, प्रस्ताव पास करवाना चाहिए ना कि हम काम करना चाहते हैं गाजीपुर जिले में, क्यों नहीं हो रहा है, करना चाहिए। जिसको करना है वो करेगा ना। तरफ एक संविधान की विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी सीधे सीधे मैदान में आई है। वो कहती है कि जब हम सरकार में आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो कहती है कि किसानों के लिए जो साढ़ की जो व्यवस्था है उसको हटा करके हम सीधे सीधे 5 बोरी यूरिया 2 बोरी डाई और सिंचाई मुफ्त हम देंगे। वो कहती है कि हम छात्रों को लैपटॉप देंगे। वो कहती है KG-2 PG हम पढ़ाई मुफ्त करेंगे। अब वो कहती है कि 5 साल हम राशन फ्री में देंगे। इससे बड़ी कोई योजना किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती है। अब आपको क्या चाहिए? शिक्षा फ्री, आपको दवाई फ्री, आपके लिए 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, सिंचाई फ्री हो गई। अब इससे बड़ी कोई सरकार आपको क्या कोई काम दे सकता है? और अखिलेश यादव जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, उन्होंने दिखला दिया कर करके, जो उनकी कथनी थी, उन्होंने जब पहले वादा किया था कि मैं 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दूंगा, तो लोग कहते थे कि लैपटॉप ये हवा हवाई दावे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने लैपटॉप देकर। लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सभी पार्टियां जो है पूरे दम के साथ मैदान में हैं और कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब इस जनता का सपोर्ट किसे मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी सलाउद्दीन बबलू के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन गाजीपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।